तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हैप्पी से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो दो रोज़ा मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह तीसरे रोज़ा आज स्टार्ट हो गया। तो तीसरा रोज़ा और तीसरी सीरीज आप लोग को मुबारक हो। मैं आज फिर सुबह सुबह अपने छत पे आ गया हूँ। कल जिस तरह की कल धूप थी, इससे हमें याद आया कि अब हमें अपनी छतों पे पंछियों के लिए पानी रख देना चाहिए। गर्मी बहुत काफ़ी तेज़ हो रही है, तो इंशाल्लाह आज का दिन कैसा रहेगा पता नहीं। कि अभी मॉर्निंग ही हो रहा, आफ्टरनून में क्या होगा पता नहीं। इसलिए मैं अपनी छत पे आ गया हूँ और मैं एक मिट्टी के बर्तन में पानी भर के अपने छत पे रख दिया ताकि पंछी को प्यास लगे, वो प्यास की वजह से ना मर पाए। और अगर अब तक आपने ऐसा नहीं किया है तो हमें उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को देखकर ज़रूर ऐसा करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर नीचे। मैं यहाँ पानी रख दिया हूँ, उसके बाद मैंने अपने सारे पौधों में पानी दे दिया है क्योंकि ये लोग गर्मी के कारण सूख रहे थे। तो गाइस, मैं से अपने टंकी के ऊपर रख दिया हूँ ऊंची जगह पर ताकि पंछियों को आराम हो, उन्हें आसानी से ये पानी दिख जाए रखा हुआ और वो पी ले। तो गाइस, ये सब काम करने के बाद मैं जा रहा हूँ अब नीचे, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे एक वीडियो एडिटिंग करनी है। तो आज तो सो नहीं पाऊँगा, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करके फिर देखता हूँ कितने टाइम लगता है, उसके बाद मैं सोऊंगा। तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह आज रोज़ा का तीसरा दिन था। छोटे मोटे कामों में आज का भी दिन निकल गया। आज भी धूप कल से थोड़ी कम थी। तो गाइस, यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे और अभी बन रहे हैं शहरी में चाय। तो गाइस, मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाया कल रोज़ा खोलने के बाद, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही थी। एक रोज़ेदार ही जान सकता है कि रोज़ा खोलने के बाद कैसा हिम्मत, कैसा दिल करता है। तो इंशाल्लाह आज मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज भी मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। अच्छा, मैं डॉक्टर के पास भी जाना है, इसलिए आज मैं दो बार डॉक्टर के पास जाना है। इसलिए आज देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह धूप कैसी होती है। दो दिन से धूप काफ़ी हार्ड हो रही है। आराम अब से ही करने मिलता हूँ आप लोगों से सुबह में, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। तो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे सुबह जाना है डॉक्टर के पास। तो अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास नंबर लगाने। फिर 4 बजे जाऊँगा डॉक्टर के पास। दोबारा जाना पड़ेगा। दोबारा क्यों जाना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो में। तो आप आइए चलते हैं अब डॉक्टर के पास। तो गाइस, मैं सुबह में गया था डॉक्टर के पास नंबर लगाने, उसके बाद मैं आ गया। मैं रास्ते में कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। उसके बाद फिर मैं अभी 3 बजे गया था अम्मी को लेकर डॉक्टर के पास। उसके बाद अभी मैं आ रहा हूँ, तो असर का टाइम हो गया, तो मैंने असर का नमाज पढ़ा। तो गाइस, मैं अम्मी को डॉक्टर के पास इसलिए ले गया था क्योंकि उनका आज से 25 दिन पहले आँख बना था। तो डॉक्टर ने आज का डेट दिया था मिलने के लिए, तो मैं उनको लेकर डॉक्टर के पास गया था। तो डॉक्टर ने उन्हें आज चश्मा लिख दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आँख की रोशनी बहुत अच्छी है। एकदम माइन्यूट सा पावर का चश्मा उन्हें मिला है। तो गाइस, मैं इसी कारण मैं बाहर का वीडियो कोई शूट नहीं कर पाया क्योंकि सुबह में बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और शाम में मैं अम्मी को लेकर गया था। तो इस कारण मैं बाहर का वीडियो शूट नहीं कर। गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फैमिली का फेस रिवील करूं आप लोगों के सामने, अम्मी से मिलाऊं जल्द से जल्द, तो आप लोग जल्द से जल्द मेरा 1K करवा दें ताकि मैं जल्द से जल्द फैमिली का फेस आप लोगों के सामने, अपनी फैमिली से मिलवाऊं आप लोगों को। हमें तो खुशी है ही मिलाने की, मगर आप लोग जल्द से जल्द मेरा 1K करा दें तो मैं आप लोग अपनी फैमिली से मिलाऊंगा।